नमस्कार दोस्तों साथियों, आज आपको डेटोन का 408 का स्पीकर दिखाते हैं। अगर आप पे सही चलाना आता है, जीजे आपको चलाते हुए 1 साल हो गए और आपने 8 बजे से 6 बजे लगा रखी है, तो 408 का स्पीकर डालो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी लॉन्ग थ्रो जाएगी, आवाज बहुत लंबी जाएगी, स्पीकर में जो है बेस कम आएगी, आएगी तो लेकिन कम आएगी, आवाज क्लियर आएगी, साउंड क्लियर आएगा, लेकिन उसके लिए आपका अनुभव होना जरूरी है दोस्तों। ये देखो, सबसे पहले तो स्पीकर देखो आप, ये पहले तो ये टेप उतार दूं मैं। क्या है दोस्तों, अगर नया आदमी है तो 400 वाट के स्पीकर को, छोटे स्पीकर को वो उड़ा देगा, ठीक है। लेकिन अगर अनुभवी आदमी है तो वो स्पीकर उड़ाने का नहीं, वो जो है साउंड अच्छा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि साउंड की दुनिया में, इसमें भाई डीजे में मैन काम आता है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। साउंड देखो, सबके सब पैसा लगाते हैं, आपने अगर पैसे लगा लिए तो ये नहीं है कि आपका थोड़े दिन अच्छा बजेगा, बाद में वो पुराना भी होगा सामान, फिर बाद में बहुत दिक्कत आएगा दोस्तों। क्योंकि एक लीड अगर आपकी खराब होगी तो आपका साउंड वहीं पे खराब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपका कुछ भी, एक चीज भी अगर आपका एक बोर्ड खराब हो गया, जब आपका साउंड खराब हो जाएगा, आपने एक तार उल्टा लगा दिया, जब आपका साउंड खराब हो जाएगा, ठीक है। कुछ मिक्सर में कमी आ गई, जब आपका साउंड खराब हो जाएगा, क्रॉसओवर की लीड में कमी आ गई, जब आपका साउंड खराब हो जाएगा। उसके लिए चाहिए एक्सपीरियंस, ठीक है। तो एक्सपीरियंस बहुत मायने रखा है दोस्तों डीजे के काम में। पहले तो आप ये देखो, ये स्पीकर है 408 का, अपना मॉडल नंबर है इसका AD15X410ES, ऑडियो टोन ओरिजिनल, ओरिजिनल ही मिलेगा। ऑडियो टोन का कोई भी सामान हमारे पास लोकल नहीं मिलेगा। ये स्पाइडर देखो, इसका ऐसा स्पाइडर है, ये वॉइस कोइल है, ये इसकी गैसकेट है ऊपर, ठीक है दोस्तों। अब इसकी आप जनरल स्पेसिफिकेशन चेक कर लो कितने हैं। नॉर्मल डायमीटर है इसका 15 इंच का है, ये 393 mm का, ठीक है। इम्पीडेंस है 8 ohms और पावर मैक्स है 800 वाट, मैक्स पावर है, मतलब कि 800 वाट तक ये बजेगा। पावर RMS पावर है इसकी 400 वाट, 400 वाट से 400 वाट का स्पीकर है, लेकिन 800 वाट तक भी अगर आप आउटपुट दे रहे इसको तो ये उड़ेगा नहीं, चलेगा, ठीक है। वो इसको ले इसकी 3 इंच की 75.8 mm की, ठीक है। CCAW आउट है कोयल इसकी, ठीक है, इन आउट नहीं है, आउट आउट है, ठीक है दोस्तों। CCAW कोयल दोस्तों कंपनी की आती है, लोकल नहीं आती, बाहर से नहीं मिलती। मैग्नेट है, साइज है इसका 190x25x20 mm, ठीक है। Y35 ग्रेड, ठीक है, ओरिजिनल में यही मिलती है मैग्नेट Y35 ग्रेड की। लोकल जो स्पीकर आते हैं दोस्तों उनमें आपको पत्थर मिलेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रेंज है 45 हर्ट्ज से लेकर 3 kHz तक। SQL है 98 dB और वेट है इस स्पीकर में 9.2 kg, ठीक है। बंद कर, ये देखो दोस्तों, 15 एल्यूमिनियम की इसकी चेसी होती है, ठीक है। ओरिजिनल स्पीकर में आपको एल्यूमिनियम की ही चेसी मिलेगी, ठीक है। अब इसको चला के दिखाते हैं, खोल के दिखाते हैं, पूरा आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। ये देखो भाई, ऐसे मिलेगा आपको खोल के, ये देखो, ये ऑडियो टोन के हर ओरिजिनल सामान में ये पेपर निकलेगा, ठीक है। ये अपना मॉइस्चर के लिए होता है, ये बाहर से ऐसे खोल दिया हमने, अब देखना ये निकलेगा स्पीकर अपना, ये आ गया अपना स्पीकर। नीचे देखो ये दे रखा है कंपनी की ने, जिससे कि स्पीकर अपना ट्रांसपोर्ट पे दिक्कत ना आए, ठीक है भाई। अब इसको पूरा खोल के दिखाते हैं, ये हमने खोल दिया, तीन पैरी है, देख लो, तीन पैरी का ये स्पीकर है, 1, 2, 3, ठीक है। आवाज बढ़िया देगा, लॉन्ग थ्रो जाएगी। अब दूसरी साइड से दिखाते हैं, ये देखो चेसी भी सबसे अलग लुक है, ठीक है। 3 इंच वो इसको इम्पीडेंस 8 ohms है, ऑडियो टोन डीजे सीरीज है ये, और RMS पावर है इसकी 400 वाट, ठीक है, 800 वाट मैक्स पावर, 800 वाट तक ये बजेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं आने की, ठीक है। ये ओरिजिनल के लिए ऑडियो टोन देखो चेसी पे गुदा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये ओरिजिनल की पहचान है। और ऊपर स्पाइडर दिखा रहे हैं आपको, इसका स्पाइडर देखो आप कैसा है, स्पाइडर सबसे यूनिक है, ऐसे देखो, ये देखो स्पाइडर इसका, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल अलग ही है स्पाइडर भी। ये एडसिंग है, एडसिंग भी आपको मिलेगी, वो बहुत अच्छा स्पीकर है दोस्तों। Y35 ग्रेड की मैग्नेट है, 3 इंची कोयल है, ठीक है। ये आप लगाओ, लॉन्ग थ्रो के लिए है ये, अगर आपको लंबी आवाज चाहिए तो ये बहुत लंबी आवाज देगा, ठीक है दोस्तों। ना इसका टंग काटने का, ना ये दिक्कत आने कुछ, नहीं तो लोकल लोगे 400 वाट का तो टंग काटेगा और उड़ेगा, ठीक है। ये उड़ने के चांस बहुत कम रहते हैं ओरिजिनल स्पीकर में, और आवाज एक नंबर की है इस स्पीकर की, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो,
कमेंट करके बताइए, ठीक है जी, अच्छी लगी या बुरी लगी कुछ कर...